अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ झाइयाँ नज़र आने लगी हैं, आपका कलर बहुत ही डल हो गया है और स्किन बहुत ही बेजान सी लगती है, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही खास रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए पटेटो। पटेटो के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी स्किन से दाग धब्बे झुर्रियाँ झाइयों को आसानी से रिमूव करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आलू को अच्छे से धो लेना है और उसके बाद इसका छिलका आपको निकाल देना है। तो इस तरीके से आपको आलू को छील लेना है। आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन से दाग धब्बे रिमूव करता है और कलर को फेयर बनाता है, साथ ही हमारी स्किन पर जो पिगमेंटेशन के निशान होते हैं उन्हें भी ये रिमूव कर देता है। तो अब यहाँ पर आपको ये ग्रेटर लेना है और आलू को इस तरीके से घिस लेना है। जब स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग महंगी महंगी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट भी लेते हैं, लेकिन उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर आपकी स्किन पर भी इसी तरह की जिद्दी झाइयाँ हो रही हैं तो आप आलू का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन से झाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर आलू को हमने घिस के तैयार कर लिया है, अब आपको क्या करना है, इसका रस निकाल लेना है। तो इस तरीके से मैं छलनी में दबाकर रस निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रस नहीं चाहिए, लगभग 2-2.5 चम्मच के करीब रस चाहिए। और ये जो घिसा हुआ आलू बचेगा ना, इसमें काफ़ी सारा रस है, इसे हमें फेंकना नहीं है। इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। और ये देखिए जो रस है आलू का, इसे हम साइड में रख देते हैं, इसमें काफ़ी सारा स्टार्च है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये जो आलू है देखिए, इनका क्या करेंगे आप, इन्हें आप एक बाउल में डालेंगे, लगभग 2-2.5 चम्मच के करीब ये घिसे हुए आलू हम एक बाउल में डाल देते हैं। अब आपको इसमें 1 चम्मच दही डाल देना है। दही में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि ये स्किन से दाग धब्बे तो रिमूव करता ही है, साथ ही हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, स्किन में बहुत ही अच्छी चमक लाता है और कलर को फेयर बनाता है। तो आपको आलू और दही को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए अब आपको क्या करना है, जब आलू और दही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए ना, तो इसे आपको अपनी स्किन पर लगाना है। कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसे हाथों में लेकर आपको अपने फेस पर, अपने नेक पर बहुत ही अच्छे से हल्के हाथों से इस तरह रब करते हुए मसाज करनी है। इससे आपकी स्किन पर जो भी धूल मिट्टी लगी हुई है वो सब साफ़ हो जाएगी, आपकी स्किन पर जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी, कलर फेयर हो जाएगा और आपके पोर्स क्लीन हो जाएंगे, आपका रंग बहुत ही साफ लगने लगेगा। इस तरीके से आपको कम 3-4 मिनट तक करना है। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से आलू में दही डालकर इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी आसानी से ख़त्म हो जाएगी और इस तरह आपकी स्किन से डेड सेल्स भी इजीली रिमूव हो जाएंगे और आपका कलर बहुत ही साफ लगने लगेगा। अब आप फेस को धोकर साफ कर लें और अब ये जो आलू का रस है इसे हमें इस्तेमाल करना है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से स्क्रब करेगा, आपकी स्किन से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और डेड सेल्स को इजीली रिमूव कर देगा। चावल का आटा इस्तेमाल करने से स्किन में कसावट आती है और कलर फेयर बनता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच शहद। शहद के इस्तेमाल से स्किन से दाग धब्बे तो रिमूव होंगे ही, स्किन में कसावट आएगी, साथ ही कलर भी फेयर हो जाएगा। और अब आपको इसमें डालना है टमाटर का रस। तो इस तरीके से आप इसमें 1 चम्मच टमाटर का रस डाल दें। अगर आपकी स्किन को टमाटर रस सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कोई भी क्रीम हो जिसे आप मार्केट से खरीद कर लाएं या कोई भी होम रेमेडी हो, डायरेक्टली आपको उसे अपने फेस पर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी स्किन पर एक पैच टेस्ट करके देखें, अगर वो आपकी स्किन को सूट करता है तो आप उसे फेस पर लगाएं, अदरवाइज़ नहीं लगाएं। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। अब देखिए आपको इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे अपने फेस और नेक पर लगाना है। इस तरह आपकी स्किन से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, डेड सेल्स तो निकल ही जाएंगे, साथ ही आपकी स्किन में कसावट आएगी, कलर फेयर हो जाएगा, स्किन बहुत ही यंग लगने लगेगी। आपको वीक में कम से कम 2 बार इसे जरूर लगाना है। इस तरह 6-7 मिनट तक मसाज करनी है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से धोकर इसे साफ करें, फिर कोई भी क्रीम या एलोवेरा जेल लगाएं। रेमेडी पसंद आई तो लाइक, कॉमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।